तो अभी तक हमने एसी में ये सब एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू ये कर लिया था। हमने किया था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस में ई और आई की ये इक्वेशन थी, और रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, करंट पीछे, बाय एन एंगल ऑफ 90, और रेजिस्टेंस को एक्स एल यानी कि रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा है। और उसी तरीके से ओनली कैपेसिटेंस में करंट आगे है, ईएमए पीछे, बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और रिएक्टेंस क्या होती है, एक्स सी 1/C ओमेगा। और एलसीआर में हमने क्या किया, ईएमएफ आगे है करंट से, बाय एन एंगल ऑफ फाई, प्रोवाइडेड वीएल ग्रेटर देन वीसी। तो ये हमने अजम्पशन के साथ किया, या ईएमएफ आ गया करंट से, बैन एंगल ऑफ फाई, कैसे मर्जी कर लें। टेन फाई का फॉर्मूला हमने कर लिया, ये डायग्राम हमने कर लिया, इम्पिडेंस ट्राइंगल कर लिया, इम्पिडेंस की वैल्यू कर ली, ससेप्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस है ये भी कर लिया, और इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल एडमिटेंस है 1/Z ये भी कर लिया। ठीक,